नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो नर्सरी प्लांट की परचेजिंग के ऊपर है। कल मैं नर्सरी गया था, वहाँ से कुछ प्लांट्स जो है वो परचेज कर कर लाया था, कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर प्लांट्स। तो वो क्या क्या प्लांट्स हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं, यही मेरा आज का वीडियो है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मिनी कामनी, जिसे हम मुराया पेनिकुलाटा भी कहते हैं। इस प्लांट की वैसे तो तीन वैरायटी आती है, पर नर्सरी पर मुझे इसकी दो ही वैरायटी मिली। ये भी दोस्तों इसी प्लांट की वैरायटी है, इसे हम टेबल कामनी कहते हैं। इसके जो लीव्स हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और दिखने में जो प्लांट है बिल्कुल बोनसाई ट्री की ही जो लुक देता है। इसकी जो तीसरी वैरायटी आती है उसका नाम है ऑरेंज जैस्मिन। उसके जो लीव्स हैं इस प्लांट से बड़े होते हैं। फ्लावरिंग की बात करूं, ये प्लांट जो है बहुत ही ज़रा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। फुल सन में जब भी आप इस प्लांट को प्लेस करें तो फुल सन में रखें, वहां पर प्लांट बहुत ही जल्दी बुशी बन जाता है और बहुत ज़रा ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। जबकि इस प्लांट को आप वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर इसे ब्राइट लाइट मिले या मॉर्निंग की एक या दो घंटे की धूप मिले, वहाँ प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। कॉस्ट की बात करूँ, मुझे ये प्लांट जो है 120 रुपये में मिला। ये छोटे से पोट में, 3 के 4 इंची पोट में लगा हुआ मुझे ये प्लांट 120 रुपये में मिला और मुझे ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगा, इसलिए मैंने ये प्लांट जो है परचेज किया। ये जो प्लांट है दोस्तों टेबल कामनी का, ये मुझे वहाँ पर 150 रुपये में मिला और बहुत ही हेल्दी प्लांट लगा, तभी ये मैंने जो है प्लांट को जो परचेज किया। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है मैक्सिकन पटूनिया। दिखने में जो प्लांट है बिल्कुल पटूनिया प्लांट की तरह ही लगता है, जो हमारा सर्दियों में प्लांट आता है, लेकिन ये प्लांट जो है उससे थोड़ा सा अलग है। गर्मियों में प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा भर भर के जो है फ्लावरिंग करता है, बहुत आसानी से स्टेम कटिंग से और बीज से बहुत आसानी से लग जाता है और प्लांट कई कलर्स में आता है। और वैसे भी दोस्तों प्लांट जो है बहुत ही सस्ता नर्सरी पर मिलता है। ये प्लांट जो है मुझे नर्सरी पर ये पोलोथीन में लगा हुआ 20 रुपये का मिला। बहुत ही सस्ता प्लांट होता है और बहुत ही आसानी से प्लांट लग जाता है। इसके बाद अगला प्लांट है, ये है मिनी चांदनी का। इसमें जो फ्लावर्स का साइज है वो छोटा रहता है, इसमें डबल चांदनी भी आता है, मेरे पास वो भी प्लांट है। ये मेरा डबल चांदनी का प्लांट है, इसमें फ्लावर का साइज बड़ा होता है और इसकी पत्तियां जो है डीप ग्रीन कलर की होती हैं। ये प्लांट भी बहुत ही ज़रा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। मिनी चांदनी प्लांट में जो फ्लावर का साइज है वो छोटा रहता है, लेकिन ये प्लांट जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो फ्लावर जो है प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी ये प्लांट बुशी बन जाता है। केयर की बात करें इस प्लांट की, केयर ना के बराबर है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, छोटी से छोटी स्टेम कटिंग से भी प्लांट जो है बहुत आसानी से लग जाता है। ये प्लांट मुझे वहाँ पर ये पोलोथीन में लगा हुआ 20 रुपये का मिला, 20 रुपीज़ का। मुझे प्लांट बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैं प्लांट को इसको परचेज कर लिया। नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो ये बालसम, जिसे हम इम्पेशन का प्लांट भी कहते हैं। मुझे इस प्लांट का जो है कलर बहुत ही पसंद आया और इसकी लीव्स भी दिखने में मुझे बहुत ही सुंदर लगी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को परचेज किया। ये प्लांट दोस्तों वैसे तो काफ़ी डेलिकेट प्लांट है, इस प्लांट की जो केयर करनी थोड़ा मुश्किल होती है। लास्ट गर्मियों में प्लांट मेरा जो है वो मर गया था, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, अगर इसको कम वाटरिंग करते हैं तो वो भी इस प्लांट को पसंद नहीं है। ये प्लांट जो है दोस्तों आप वहाँ प्लेस करें जहाँ पर इसे ब्राइट लाइट मिले, वहाँ प्लांट बहुत अच्छा जो है ग्रो करता है। मुझे ये जो प्लांट है नर्सरी पर 120 रुपये में मिला, मुझे प्लांट बहुत हेल्दी लगा, इसीलिए मैंने इस प्लांट को जो है परचेज किया। मेरा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है लेमन ग्रास का प्लांट। लेमन ग्रास का प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है, फुल सन लविंग प्लांट है। इस प्लांट की एक खासियत है कि ये प्लांट जो है मच्छरों को भगाता है और हमारे गार्डन में जो वाइट फ्लाइज या एफर्ट दूसरे प्लांट्स पर लग जाते हैं वो भी इसकी खुशबू से भाग जाते हैं। दिखने में ये प्लांट वैसे तो झाड़ीनुमा लगता है, लेकिन वैसे प्लांट जो है गुणों की खान है। मुझे ये जो प्लांट है ये छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ 40 रुपीज़ का मिला और मुझे बहुत ही हेल्दी प्लांट लगा, इसलिए मैंने इस प्लांट को जो है परचेज किया। मेरा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सिंगोनियम।
ये सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी है जो मुझे एक छोटे से पॉट में लगा हुआ मिला। ये ब्राइट लाइट में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। ये नर्सरी पर मुझे ये प्लांट जो है 120 रुपये में मिला। एक ये मैं प्लांट कुछ समय पहले लाया था, लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये प्लांट जो हालांकि मैं कुछ समय पहले लाया था, ये प्लांट बहुत ही छोटा प्लांट था। ये मुझे तब ये प्लांट 150 रुपये में मिला था। मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ प्लास्टिक के पॉट्स भी लेके आया हूँ। ये 8 इंची पॉट है, ये काफ़ी दिखने में भी सुंदर है और जो इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। और इसके अलावा दो मैं क्ले पॉट लेके आया हूँ 12-12 इंची के। मैंने अपने कुछ प्लांट्स को जो है वो रिपोर्ट करना था। यदि आप इस सीज़न में अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं, कोई कटिंग लगाना चाहते हैं, तो ये मानसून समय बहुत ही परफेक्ट है। तो दोस्तों यही थी नर्सरी परचेज की मेरी ये वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।